सो गाइज़, यहाँ पर मैं आई थी फ़न मॉल में, जो लखनऊ में फ़न मॉल है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो मैंने यहाँ पर आईलैश एक्सटेंशन कराई थी। मैंने ना लेंथ नहीं रखवाई है बहुत ज़्यादा लंबी, क्योंकि ना मेरी जो लैश है उसकी ऑलरेडी 12 ही लेंथ है, और जो लोग करवाते होंगे उनको नॉलेज होगी, जो लोग नहीं करवाते उनको नहीं पता होगा। बट मेरी जो आईलैश की लेंथ है वो है 12, और मैंने 12 ही लेंथ रखवाई थी। आप लोग देख भी सकते हैं मेरी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई थी। बाकी क्या होता है ना कि जब हम मेकअप वेकअप करते हैं ना कंटिन्यूसली, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर आप स्किन पर 24 घंटे मेकअप लगाते हो, है ना, मेकअप करते हो, तो आपकी स्किन भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो वैसे ही हमारी आंखें भी होती हैं, आईलैश होते हैं, है ना। और मुझे कराना भी था एक बार आईलैश एक्सटेंशन, मैंने चाहती भी थी। सो गाइज, तो इसीलिए मैंने ना आईलैश एक्सटेंशन करवा ली, बिकॉज आईलैश एक्सटेंशन में कोई दिक्कत नहीं होती, आप करवा सकते हो जितनी। अगर आपकी फॉल्स खुद की लैशेस होती है ना, उतने ही टाइम तक आपकी लैशेस चलती हैं, कहने का ये मतलब। देख सकते हैं मेरे जो लैश हैं, ये बिफोर है और आफ्टर मैं आप लोग को दिखाऊंगी ही, है ना। तो अभी चल ही रहा है काम, तो आप लोग देख सकते हो मेरी आईलैश खुद ही बहुत लंबी है। वो भी बोल रहे थे कि 12 लेंथ है आपकी, तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे आप, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करा रहे हो, मैंने बता भी दिया था। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप करा कर देखो, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कर दीजिए। तो आईलैश क्या होती है ना कि आईलैश एक्सटेंशन आप करवा रहे हो, अगर आपकी जो आईलैश हैं वो मजबूत हैं, वो थिक हैं, वो घनी हैं, या फिर वो बहुत कम फॉल होती हैं, तो आपकी आईलैश एक्सटेंशन 1 महीने आराम से चल जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी आईलैश जो खुद की रियल आईलैश हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, वो फॉल होती रहती हैं हमेशा, तो फिर आपकी आईलैश भी नहीं चलती, क्योंकि उस पर ही ये लोग आईलैश लगाते हैं, ठीक है। उस पर ही ये लोग धीरे 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 एरिया बनाकर उसके ऊपर ही अटैच करते चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर भैया कर रहे थे मेरा सारा काम, ये है लगने के बाद से। मैंने नेचुरल वाला करवाया है, नेचुरल ह्यूमन हेयर करवाया है, और उसका भी था जो 3500 रुपये से स्टार्टिंग भी थी, वो बहुत अच्छा नहीं था, सिंथेटिक था, तो मैंने वो करवाया नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर कैट लुक करवाया है, और मैंने यहाँ पर ये वीडियो भी डाल दी, और उन्होंने भैया ने भी शूट करी हुई थी, तो उन्होंने भी डाली हुई है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम में कि तो हाँ गाइस, कैसा मैं लगा। जा रही हूँ अभी अपने बालों में ऑयलिंग करने, फिर हम लोग कल रेडी होंगे, क्योंकि कल बारात निकलेगी। और अभी मेरी ऑयलिंग होने जा रही है मेरे बनाए हुए ऑयल से, क्योंकि मैं अपना ऑयल वगैरह सब लेकर चलती हूँ। मीन्स कि मेरे घर वाले, मेरी मम्मी और मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं थोड़े बहुत, वो लोग मेरे ही ऑयल को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको अपने हेयर से प्यार है। तो देखो यहाँ पर ऑयल निकल रहा है मेरा। से हाय एवरीवन। हाय ज्योति, तेल दिखाना मेरा। सो गाइस चलो, और मैं ना अपना सिरम भी लेकर आई हूँ, बट मैंने ना स्टिकर नहीं लगाया सिरम में, क्योंकि सिरम स्टिकर्स नहीं लगाए, क्योंकि वेस्ट होता है ना स्टिकर, फिर वही स्टिकर लगा करके हम दूसरे को भेज सकते हैं। तो आपने ही लेकर आऊँगी, तो स्टिकर लगा कर क्या फ़ायदा है। और ये ऑयल तो मैंने मम्मी के लिए कोरियर करा हुआ था, क्योंकि मम्मी वही यूज़ करती। तो चलो मैं पहले लगा लेती हूँ, और मैंने आई लैस एक्सटेंशन करवा ली है पहली बार, और मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कहाँ पर करवाया, लखनऊ में ही करवाया, ठीक है, मिलती। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप आईलैश करवा सकते हैं, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। हाँ, अगर आपको मेकअप नहीं आता, आई मेकअप, आप ब्राइड हैं, आपको बहुत अच्छा लुक रखना है, तो आप अपनी आईलैश ज़रूर करवाएं, शादी वगैरह है तो। तो मेरा 6500 रुपये का आईलैश हुआ था, और ये कैट आईलैश है जो मैंने करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखती हूँ कौन सा करवाऊँगी, क्योंकि वो आपके फेस के अकॉर्डिंग होता है, वो आपको बता भी देते हैं कि आपके फेस पर कौन सा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, ठीक है, बाय।